start with our today's lesson. So before starting our lesson, we discussed that in last lesson, we discussed about the different type of neurons. कि आपके neurons कैसे different different types के होते हैं, या आप उन्हें categorize कर सकते हो on different different category के base पर. हम उन्हें उनकी shape के base पर categorize करते हैं, उनकी position के base पर भी categorize करते हैं. Sometime हम उन्हें उनकी structure के base पर भी categorize करते हैं. So we discussed about the basic कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसी होती है और किस तरीके से उनके डेंड्रॉइड्स एक्सॉन का फॉर्म होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो रीकैप अगर हम करें तो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. आप क्लासिफाई कर सकते हो न्यूरॉन्स को ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. अगेन आई थिंक इट्स नीडेड. सो वी डिस्कस कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं हम उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपके यूनिपोलर है. यूनिपोलर का मतलब हमने डिस्कस किया था कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनके अंदर एक पोल होता है. ठीक है, एक पोल का मतलब कि आपकी सेल बॉडी से सिर्फ एक ही जो स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड हो रहा होगा, वही आपका आपका डेंड्राइट की तरह काम करेगा और वही स्ट्रैंड हमारा एक्सॉन की तरह काम करेगा. ठीक है, फिर आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपके जो न्यूरॉन्स है वो बाइपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं, आपके न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं. सो मल्टीपोलर का मतलब जो हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर समझते हैं ना आज तक, जिसके स्ट्रक्चर हम लोग समझते आए, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. एंड बाइपोलर जिसके अंदर दो पोल होते हैं. सो ये जो क्लासिफिकेशन था किसके बेस पर था, नंबर के बेस पर. सो वी डिस्कस कि नंबर के बेस पर हम न्यूरॉन को बाइपोलर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन जो एक टॉफी लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है. मल्टीपोलर जिसके अंदर बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होंगे, एक इलोंगेटेड एक्सॉन प्रेजेंट होगा. ओके, उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखा कि हम और भी डिफरेंट कैटेगरी है जिसके बेस पर न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो सेकेंड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बेस पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे न्यूरॉन को, दे कैन बी सेंसरी, सेंसरी न्यूरोन, दे कैन बी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कह सकते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन कह सकते हैं और इंटर न्यूरॉन. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन दीज थ्री. सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये, इनको हम लोग रिसेप्टर या हम इनको एफरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं. देखो क्लासिफाई किस बेस पर किया है, फंक्शन के बेस पर. फंक्शन के बेस पर मतलब सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंसेस को रिसीव करना. अब जैसे हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो रिसीव करने का काम करते हैं, कि स्ट्यूमुलाई को रिसीव करेंगे. तो जब ये सेंसेस को रिसीव कर रहे हैं तो जो न्यूरॉन सेंसेस को रिसीव करते हैं उन्हें हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कह देते हैं. इसीलिए इनको रिसेप्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है. और एफरेंट, एफरेंट का मतलब होता है जो चीजों को लेके आ रहे. तो आपने देखा जब हम स्ट्रक्चर हम यहाँ से पढ़ी थी तो हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि डेंड्रॉइड्स का काम है स्ट्यूमुलाई को सोमा बॉडी की तरफ लेके आना. तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, एफरेंट, एफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कह देते हैं. बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन्स में डेंड्रॉइड्स वाला जो पोर्शन होता है बहुत एक्टिव होता है, वो स्ट्यूमुलाई को रिसीव करते हैं. इसीलिए हमने रिसेप्टर न्यूरॉन भी कह देते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं. ठीक है, मोटर न्यूरॉन की अगर बात करें तो मोटर न्यूरॉन एक्चुअली आपके फंक्शनल न्यूरॉन होते हैं. इनका बेसिकली काम होता है कि जब सेंसरी न्यूरॉन किसी स्ट्यूमुलस को रिसीव करके लाएगा, उसके रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो रिस्पॉन्स जो आपके इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं. देखो मोटर का मतलब आप इसे समझ सकते हो कि जब हम चल रहे होते तो हम कहते हैं कि हमारी जो लेग्स है वो मोटर एक्टिविटी कर रही है, चल रही है, मतलब फंक्शनल है. तो उसमें क्या है कि हमारी स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है. तो स्केलेटल सिस्टम ऐसे तो अपने आप तो आप चलने नहीं लग जाते ना, आप सोचते हो, आपका ब्रेन काम करता है, आपका ब्रेन कमांड देता है. तो ब्रेन से जो कमांड लेके जाते हैं उस इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, जब आप वॉक कर रहे हो तो हमारा इफेक्टर ऑर्गन हमारी टांगे है, हमारी टांगों की जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी मसल्स है, वो है. तो
उसके पास सिग्नल गया, सिग्नल कौन लेके गया, मोटर न्यूरॉन लेके गया। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं, इन्हें हम इफेरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को अवे दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं कि टारगेट ऑर्गन की तरफ लेके जा रहे हैं, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें मोटर न्यूरोन या इफेक्टर न्यूरॉन भी कह देते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन देखो, जब दो चीजों के बीच की बात आती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं इंटर। जब हम कहते हैं कि भी दो पर्सन के बीच का रिलेशन है तो इंटर पर्सनल रिलेशन है ना, तो वैसे ही इंटर न्यूरॉन जो सेंसरी और मोटर न्यूरोन के बीच में काम कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरोन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में और भी तीसरे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनका बस इतना काम होता है कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन से आपका सिग्नल आया है उसको रिसीव करके आपके एसोसिएशन नब तक पहुंचाना, आपके ब्रेन तक पहुंचाना, और वहां से फिर मोटर न्यूरॉन को देना, ये काम किसका है, इंटर न्यूरॉन का, यानी कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सेकेंड जो हमने किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि वी कैन क्लासिफाई द न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। सो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो माइलिन शीथ होती है वो आपकी सभी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होती, अगर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं इट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब उसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट। माइलिन शीथ क्या होती है, कौन सी सेल इन्हें सिंथेसाइज करती है, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की स्क्वायर सेल्स प्रेजेंट होती है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमारे पास यहाँ पे माइलिन शीथ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर सेल्स प्रेजेंट होती है जो बेसिकली सिंथेसाइज करती है इस माइलिन शीथ को। और माइलिन शीथ कुछ भी नहीं है, माइलिन शीथ एक टाइप का पिगमेंट होता है जो स्क्वायर सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। तो जिन सेल्स के अंदर माइलिन माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उन्हें हम माइलिनेटेड कह देते हैं, और जिनके अंदर माइलिन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह देते हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर लास्ट लेसन। नाउ अभी अब हम बात करते हैं, हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा कैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं नर्वस सिस्टम की, उसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जिसकी अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि भी इनके अंदर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रेवल करती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रेवल करती है, तो वो सारा चीज समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस क्या है, कैसे वो जनरेट हो रही है, और उसकी हेल्प से सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, बेसिक से हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अभी उससे पहले अच्छा एक चीज बताते हैं, जब आप बात करते हो किसकी, अब हमने सबसे पहले लेसन में बात किया था कि ह्यूमन का जो बॉडी होता है ना एक ड्रम की तरह होता है, एक ड्रम है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, हमने कहा था फ्लूइड फिल्ड है और उसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यही ऑर्गन आपके मिलके होम्योस्टैटिक के स्टेट को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टैटिक बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन करके रखना, आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन करके रखना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें होम्योस्टेटिस में आती है। और ये सारा जो आपकी सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम भी कर रहे हैं वो होम्योस्टेटिक की स्टेट को मेंटेन करने के लिए ही कर रहे हैं, ये सारा हमने पहले किया था। ठीक है, अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उस होलो बॉडी जिसे हमने कहा था ह्यूमन की बॉडी एक होलो ड्रम होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, ये बात तो हमने करी थी, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि वो फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, वो फ्लूइड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है उस फ्लूइड की। अभी उसको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो सेल है, जो न्यूरोनल सेल है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जिस फ्लूइड की हमने बात करी थी उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ कह देते हैं शॉर्ट में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाम बता रहा है सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो
आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसे हम बेसिकली आपकी सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट भी कह देते हैं। सेल का नहीं मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है। हमने कहा ना कि होम्योस्टैटिक स्टेट का मतलब ही यही है कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करके रखना। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी बातें यहां से डिस्कस करते चले, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट वन थर्ड पार्ट ऑफ टोटल फ्लूइड। के बॉडी के अंदर जितना हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है उसका वन थर्ड पार्ट, मतलब हमारी बॉडी का वन थर्ड पार्ट हमारा टोटल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है हमारा ईसीएफ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन इज प्लाज्मा, ऑल यू नो दैट प्लाज्मा क्या होता है, एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ठीक है, अभी प्लाज्मा के बारे में तो आप सभी को पता है। इंटरस्टीशियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, एक टिश्यू को हम टिश्यू कब कहते हैं? टिश्यू होता है कि जैसे भी एक सिमिलर टाइप की उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। उस सेल्स के बीच में आप देखते हो एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मान लो हमारा एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर ऐसे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारी सेल्स है। अब इन सेल्स के बीच में आप देखते हो कि एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द इंट्रा सेलुलर स्पेस। एज यू कैन सी कि ये जो स्पेस है, दिस इज इंट्रा सेलुलर स्पेस। और इस इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं इंटर स्टीशियल फ्लूइड। राइट, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आपकी सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड, जिसको हम स्पेसिफिकली नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने बात करी है कि टिश्यू के अंदर जो सिमिलर टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। और इन सेल्स के बाहर, टिश्यू के बाहर जो फ्लूइड है वो हमारा प्लाज्मा की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में हो सकता है ना। तो ये सारा टोटल मिला के आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है कि ये सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, क्या चीजें प्रेजेंट है। बेसिकली हमारी न्यूरोनल सेल्स भी तो एक टाइप की सेल्स ही है, तो न्यूरोनल सेल्स के बाहर भी ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड समहाउ रिस्पॉन्सिबल है उस इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के लिए। इसलिए इसकी कंपोजिशन को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि समझ में आ जाए कौन से स्पेसिफिक आयन इस इंटरस्टीशियल फ्लूइड में फिल्ड होते हैं। राइट, सो वन थर्ड ऑफ द टोटल फ्लूइड। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, ये कांस्टेंट मोशन में रहता है, ऑलवेज रिमेन इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। अब मोशन में क्यों रहेगा? हम लोगों ने आज तक एक ही चीज पढ़ी है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, नॉट एनर्जी प्रोडक्शन मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोटीन से वो फंक्शन परफॉर्म करती है, उन प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी उन्हें कहाँ से आती है? जब वो ब्लड से एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन या सेलुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। रिमेम्बर करो, लिंक करते चलो एक चीजों को। तो जब सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, उस टाइम हम समझते हैं कि भाई सीओ टू और ओटू का एक्सचेंज हो रहा है। वो सीओ टू और ओटू एक्सचेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारी बेसिकली सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करती है ना, जिससे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और सेल जो है वो फ्रीली होके अपना प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, प्रोटीन क्या है? बेसिकली हमारा खाना है, जो खाना नहीं कह सकते, मतलब वो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है जिसके थ्रू आपकी सेल अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, और इसके लिए ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मिलती है। तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये हमेशा मोशन में रहता है, कि थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रेवल करता रहता है। इसलिए यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होता है, सीओ टू का एक्सचेंज इसी से होता है। जो वेस्ट मटेरियल सेल को देने होते हैं वो भी इसी के थ्रू सेल आपकी वेस्ट मटेरियल निकालती है। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन इसी से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट में
न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। वेस्ट मटेरियल क्यों प्रेजेंट होगा? बिकॉज सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज भी करती है और वेस्ट मटेरियल को आपका क्या कर देती है, एक्सक्रीट भी करती है इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होगा, वेस्ट मटेरियल भी होगा, इसमें CO2 भी होगी। CO2 के साथ साथ अगर आयन कंपोजिशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से आयन्स होते हैं? इसमें सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। वेट अ सेक, यस, इसमें सोडियम आयन आपका प्रेजेंट होगा। सोडियम आयन के साथ क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसके साथ भी बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ये ECF के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके जी, तो अभी हमें क्या समझ आ गया? हमें समझ में आया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमें ये समझ में आया कि हमारी टिश्यू के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, इस सेल के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड की क्या कंपोजिशन है वो यहां से हमने देखी कि हमारी सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये फ्लूइड हमेशा मोशन में रहता है और ये मोशन में रहने वाले फ्लूइड के अंदर हमारी CO2 भी प्रेजेंट होती है, हमारे बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर हमारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल जो है वो जितना भी एक्सचेंज करेगी वो इसी फ्लूइड के साथ एक्सचेंज करने वाली है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अभी हम क्या समझते हैं कि हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तो बात कर ली कि इसके अंदर क्या क्या आयन्स प्रेजेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन से आयन्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसी से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, यानी कि एक्सोनल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रैवल करती है, वो जो डीपोलराइजेशन की स्टेट है वो कैसे जनरेट होती है, वो इन्हीं आयन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ। तो हमने क्या समझा कि हमारी जो सेल है, ठीक है, उस सेल के बाहर का एनवायरमेंट क्या है, इस एनवायरमेंट के अंदर आपको बहुत सारे आयन्स देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है ना। अब इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में क्या होगा? देखो, इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट की अगर यहाँ पे कंपोजिशन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपने क्या देखा था कि सोडियम आयन प्रेजेंट है। अब इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में आपका क्या प्रेजेंट होता है? इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है, यस, पोटाशियम आयन प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको फॉस्फेट आयन्स देखने को मिलेंगे। अब देखो, फॉस्फेट आयन किस लिए चाहिए? एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो फॉस्फेट आयन भी चाहिए। पोटाशियम आयन और मैग्नीशियम आयन का आपको समझ में आया था, जो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हमारी जो बॉडी होती है एक होलो बॉडी है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा और इन द फॉर्म ऑफ इंटरस्टीशियल फ्लूइड। इंटरस्टीशियल फ्लूइड इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स, एक टिश्यू के बीच में, एक टिश्यू की जो सेल्स होती है उन सेल्स के बीच में जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसे हम इंटरस्टीशियल फ्लूइड कह देते हैं। और अदर देन इंटरस्टीशियल फ्लूइड जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, जैसे हमारा ब्लड प्लाज्मा हो गया, राइट। हमारी सेल जो होती है जितना भी एक्सचेंज करना होता है, आइदर इट इज गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल का डिपोजिशन, ये सारी चीजें, ये जो एक्सचेंज होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ होता है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इन शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी का एक इन्वायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट है, जो कि 1/3 पार्ट को कंसिस्ट किए हुए हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि हमारी सेल्स इसी के साथ एक्सचेंज करती है इसलिए हमें इसके कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। कंपोजिशन हमने कहा इसके अंदर बहुत सारे आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अब आयन्स की बात आ गई है तो यहाँ से आप एक चीज और ध्यान रखिए कि आयन्स की बात आई है तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो ये सोडियम आयन है ना, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट आयन ऑफ ECF,
आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम सबसे ज्यादा पाए जाना वाला आयन है, ठीक है। अभी के लिए आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये चीजें मैं क्यों समझा रही हूँ आपको समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रो इम्पल्सिस समझेंगे, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर की बात अगर आप करते हैं तो इंट्रा सेलुलर के अंदर आपको कौन सा आयन देखने को मिलता है, मोस्ट अबंडेंट आयन हमारा पोटाशियम आयन। तो आपको दो बातें यहां से याद रखनी है, पहली बात कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा आयन मिलता है, सोडियम आयन मिलता है, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ पे हमारा बहुत सारा सोडियम आयन सेल के बाहर ऐसे प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि आपकी सेल के बाहर जो है आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये अगर हमारी सेल है तो इस सेल के बाहर हमारा आयन सोडियम आयन प्रेजेंट होने की वजह से हमारे जो सेल है उसको हम अगर उसका चार्ज डिनोट करें तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि उसके बाहर जो है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आयन प्रेजेंट है, क्योंकि बाहर क्या है ईसीएफ प्रेजेंट है और ईसीएफ के अंदर क्या है बहुत सारा सोडियम आयन है, ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब हमने कहा जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है उसके अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे के प्रेजेंट है, तो के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव, ठीक है। हम ऐसे से वो डिनोट कर सकते हैं कि बाहर हमारा एन ए पॉजिटिव है और अंदर हमारा के पॉजिटिव आयन भरा हुआ है, ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। ओके जी, इतनी बात क्लियर है। देखो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम सेल की बात कर रहे हैं। अभी मैंने एक रेगुलर सा आपको स्ट्रक्चर बनाया है सेल का, तो हम यहाँ पे ये जो चीजें अभी मैंने बताई सारी चीजें आपकी न्यूरोनल सेल के ऊपर भी अप्लाई होती है कि हमारे जो न्यूरोनल सेल है उसके केस में भी आपको सेम यही कंडीशन देखने को मिलती है कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बाहर सोडियम आयन है और अंदर हमारे पोटेशियम आयन भरा हुआ है, ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज आपको और याद रखनी है कि अभी तक हमने पढ़ा होगा, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारी सेल्स होती है ना उन सेल्स के सरफेस पर पहली तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कवरिंग प्रेजेंट है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसी होती है, वो हमारी फोस्फोलिपिड इन नेचर होती है ना, फोस्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है। उस फोस्फोलिपिड लेयर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, आपने पढ़े होंगे कि भी हमारे कुछ एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ हमारे इंटीग्रीन प्रोटीन होते हैं, कुछ पैरिफेरल प्रोटीन होते हैं, राइट, यही आपने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये अगर हमारी सेल है तो इस सेल की जो कवरिंग होती है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर नहीं मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आप पढ़ोगे कि बहुत सारे यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हो कि कुछ एक प्रोटीन्स हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ एक हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कुछ एक होते हैं जो आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ एक होते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन की तरह काम करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट, ठीक है, हमें सारे प्रोटीन्स को यहाँ पे याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपकी कैसे उनको हम लोग उन प्रोटीन्स बेसिकली जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। चैनल्स का मतलब एक रास्ता, और ये जो रास्ता है ये रास्ता क्या करता है, स्पेसिफिक आयन्स को आपका पास होने देता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ऐसे समझते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि कुछ एक आयंस को पास होने देती है, कुछ एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने देती है, किसी को नहीं होने देती, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ से पास नहीं होता, सिर्फ सॉल्यूट पास होता है, वो भी सिलेक्टिवली सिलेक्टिव परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, एम्बेडेड हैं, जो एक्चुअली किसकी तरह काम कर रहे हैं, चैनल की तरह काम कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पास होने नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज तो होगा ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ, तो एक्सचेंज कैसे होगा, उस एक्सचेंज के लिए आपके बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट हैं। और चैनल्स कैसे होते हैं, चैनल्स बेसिकली एक रास्ता है जो आपको पास होने के लिए है, मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज हो सके, लेकिन ये रास्ते भी स्पेसिफिक होते हैं कि चैनल्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक आयंस को या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही पास होने देगी, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि हमने आज क्या पढ़ा कि हमारी जितने भी सेल्स होती हैं उन सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कुछ आयन्स होते हैं जिसकी अबंडेंसी बहुत ज्यादा होती है,
इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में कुछ और आयन्स होते हैं, जैसे कि पोटाशियम आयन, जिसको बहुत ज्यादा, बहुत मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सिलेक्टिव नेचर की वजह से आपकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं, जो चैनल्स की तरह काम करते हैं। ये चैनल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चैनल से ही आपके आयन्स पास होते हैं, या इसी चैनल्स के थ्रू आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर एक्सचेंज होता है। ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा आपको जब आपका पूरा मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस आप इतना ही याद रखिए, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेसन होगा हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड थैंक यू सो मच, टिल देन हैप्पी लर्निंग।